नमस्ते दोस्तों, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आलू मटर फूल गोभी की सब्जी की रेसिपी लाई हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मर्चा, 2 गांठ लहसुन का, 1 अदरक का टुकड़ा और धनिया टमाटर ले लिया है। तो चलिए आगे के प्रोसेस के बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन 1 गांठ, अदरक का टुकड़ा, मर्चा, यहीं पे खड़े मसाले और लहसुन डाल के हम इसे पानी डाल के पीस लेंगे। ज़्यादा नहीं बारीक पीसना है हमें, इसे हमने पीस लिया है। वटाने को भी दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, पानी डाल के बिल्कुल भी नहीं पीसेंगे। कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है, तेल डालेंगे, तेल हमारा गर्म हो रहा है। देखिए हमने गोभी को ऐड कर दिया है, गोभी को भी सुनहरा रंग होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे बढ़िया तरीके से इसे चलाते हुए। देखिए लगभग 5 से 6 मिनट हो गया है इसे भूजते हुए, हमें भूज लिया है हमने, इसे अब निकाल लेंगे। सभी गोभियों को हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तेल में मैं 1 चुटकी मेथी ऐड करेंगे, इसे भी लाल कर लेंगे बढ़िया से। यहाँ पे मैंने बरी लिया है, जो कोहड़े की बरी बोलते हैं, उसे 4 डाल दिया, 4-5 पीस। यहीं पे तेज पत्ता, खड़ी पत्ती को भी हम सभी को लाल कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहीं पे मैंने 1 कांदा कटा हुआ ले लिया। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से लाल कर लेंगे, भूनते हुए सुनहरा रंग आ जाए तब तक हम इसे भून लेंगे सभी को हमने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब यहीं पे हम आलू ऐड करेंगे, इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए आलू को हमने भी अच्छी तरीके से लाल कर लिया है। बस यहीं पे हम अपने फ्लावर को ऐड करेंगे, यहीं पे हम अपने पिसे हुए वटाने को भी डालेंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पे बढ़िया तरीके से सोंधी सोंधी सी खुशबू ना आने लगे तब तक हम इसे भी भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही, लो फ्लेम पे ही भुनेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भुनेंगे ढक करके इसे। हमने यहाँ ढक दिया इसे, देखिए लगभग हमने इसे 2 से 3 मिनट भून लिया है बढ़िया तरीके से। अब इसमें से खुशबू भी आने लगी है, देखिए तराई में चिपक रहा है, ये मतलब भुन गया है मसाला हमारा। यहीं पे हम टमाटर को ऐड करेंगे, टमाटर को भी हल्का सॉफ्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं इसे पकाना है, बस हल्का सॉफ्ट ही करेंगे टमाटर को। यहीं पे हम अपने पिसे हुए मसाले को भी ऐड कर देंगे। यहीं पे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इन सभी मसालों को भूज लेंगे। पानी हम पानी नहीं डालेंगे, ये भी सिर्फ मसाले को ही भुनेंगे हम। देखिए मसालों को बढ़िया तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, जब तक मसाला हमारा तेल ना छोड़े तब तक इसे हम ढक करके भून लेंगे। हमने इसे ढक करके पका लिया है, देखिए मसाला भी हमारा बढ़िया से पक गया है। बस अब यहीं पे हम पानी डालेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितना कम या ज़्यादा चाहिए आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड किया है, इसे भी चला लेंगे अच्छी तरीके से। और यहीं पे आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए, इसे भी चला लेंगे और इसे ढक करके 5 से 7 मिनट तक हम पका लेंगे। देखिए 5 से 7 मिनट हो गया है, भाजी एकदम बन के रेडी है हमारी। देखिए बढ़िया तरीके से पक गई है भाजी हमारी, देखने में ही लाजवाब लग रही है अभी से ही। तो चलिए अब आपको इसकी प्लेटिंग करके हम दिखाएंगे। देखिए भाजी हमारी बन के बिल्कुल रेडी है, यकीन मानिए आप एक बार अपने घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको 100% पसंद आएगी ये भाजी। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।